तो गाइज, तो मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं फार्मा सोनू भाई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी फ्रूट के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी फ्रूट क्या होता है, मैं आज आप लोग इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है, इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है DNS, इसके बाद D5, D10, RL और देन NS रखा हुआ। तो फिर हम बात करते हैं कि जो फ्लूड होते हैं वो हम उसे आईवी में उसे इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आईवी क्या होता है। तो आईवी के मतलब होता है यहाँ पे कि जब मनुष्य के बॉडी में जो हर्ट होती है, हर्ट जब पंप करती है, ठीक है, तो पंप करने के बाद जो भी ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में फैलता है। अब बॉडी में जाने के बाद जो भी हमारे सेल्स हैं, है ना, ऑर्गन्स हैं, वो सबको ब्लड प्रोवाइड होता है। और वो होने के बाद जब फिर वो वापस अपनी हर्ट में जाता है तो वो जो जाता है वो वेन के माध्यम से जाता है, और जो दूसरे से ब्लड आता है वो आर्टरी के माध्यम से आता है। ये आया, इसके बाद फिर देन यहाँ कैपिलरी में गई, पूरी सेल्स में फैल गई, और सेल्स में फैलने के बाद वो फिर वापस जो है वेन के माध्यम से चला गया। तो हम आईवी फ्लूड जो होते हैं हम उसको आईवी फ्लूड को वेन में ही इंसर्ट करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि आईवी जो फ्लूड होते हैं जिसे हम इंट्रावेनस फ्लूड बोलते हैं, इसकी टाइप कितनी होती है। इसकी जो टाइप है यहाँ पे NS है, DNS है, RL है, D5 है और एक मेनिटोल होता है। देन हम फिर बात करते हैं कि नॉर्मल सलाइन जो होती है, नॉर्मल सलाइन की जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें क्या होता है। तो नॉर्मल सलाइन की जो कॉम्पोजिशन यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है, इसमें कंटेन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl होता है, कि 100 ml सोलूशन में 0.9% NaCl डिजॉल्व रहता है। देन इसकी जो यूज की बात करते हैं, इसकी जो यूज होती है वो डिहाइड्रेशन में किया जाता है, यूज फॉर फाउल वॉशिंग, जख्म को धोने में किया जाता है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन इंजेक्शन में इसका यूज किया जाता है, फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूड लॉस इन एक्सीडेंट में किया जाता है। इसकी जो डोज की हम बात करें तो इसकी जो डोज होती है तो 3-4 बोतल इन 20 आवर में इसका डोज दिया जाता है। देन इसकी हम कुछ कंट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं, तो इसकी जो कुछ कंट्रा इंडिकेशन है, ये हाइपरटेंशन जो मरीज होते हैं उससे नहीं दिया जा सकता है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसे इस NS को हम नहीं देते हैं। देन फिर बात करते हैं DNS के बारे में, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसकी देख सकते हैं कॉम्पोजिशन यहाँ पे 0.9% वेट में वॉल्यूम NaCl इन 5 ग्राम डेक्सट्रोज में डिजॉल्व रहता है। देन इसकी बात करते हैं मैक्सिमम डोज की, तो 3-4 बोतल होता है पर डे 24 घंटा में। देन इसके यूजेस की बात करते हैं, तो इसका यूज जो है डिहाइड्रेशन में, हाइपोग्लाइसिमिया में, ट्रीट इंसुलिन शॉक में, और फुलफिलमेंट ऑफ एक्सीडेंट में। इसकी जो कंट्रा इंडिकेशन है, इसे डायबिटीज पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है DNS, और हार्ट पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। देन फिर हम बात करते हैं RL का, तो RL का जो कॉम्पोजिशन होता है इसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है सोडियम क्लोराइड इसकी होती है, देन इसकी जो होती है सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि वाटर में डिजॉल्व आता है। इसकी जो डोज होती है 102 बोतल 24 घंटे में होता है। इसकी यूज की बात करें, इसकी डिहाइड्रेशन में, बर्न में, सर्जरी में, इसका ठीक कुपोषण में और हाइपोटेंशन में इसका यूज किया जाता है, जिसकी BP लो रहती है उसमें इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इसकी जो ये जो इंडिकेशन है इसकी, यस, डायबिटीज़ के लिए शेप होता है। देन हम डेक्सट्रोज की बात करते हैं, डेक्सट्रोज में जो है यहाँ पे D5, D10, D25 बोतल, इसकी जो यहाँ पे कंपोजिशन है मिक्सचरिंग डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। देन इसकी यूज की बात करें जाए, इसमें वीकनेस इससे यूज किया जाता है, वीकनेस यूज किया जाता है, बॉडी में से यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसकी अबाउ डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है। इसकी जो डोज होती है 3-4 बोतल 24 घंटा में होता है। देन हम फिर बात करते हैं मेनटोल का, तो मेनटोल का जो यूज होता है वो इसका डायरेटिक्स भी इसका यूज किया जाता है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है 100 ml सोल्यूशन कंटेंट 20 ग्राम ऑफ मेनटोल रहता है। देन इसको यूज एडिया में किया जाता है इसका यूज, और फिर ओलिगो यूरिया में इसका यूज किया जाता है।
ये लो यूरिन प्रोडक्शन होता है, उसमें इससे यूरिन को फास्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और इसके यूज डायबिटीज़ में किया जाता है। सो थैंक यू गाइस।